हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक नंबर 18 है ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शन आर्गुमेंट्स। इसमें हम ऑब्जेक्ट को फंक्शन के अंदर पास करने वाले हैं। जैसे हम वेरिएबल्स को पास करते थे, अब हम इंटायर ऑब्जेक्ट को फंक्शन के अंदर पास करेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्सेप्ट बुक में क्या है। इसमें क्या होता है, एक इंटायर कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट इज पास टू द फंक्शन एंड ओनली द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड। मतलब हमारा जो एंटायर ऑब्जेक्ट है वो फंक्शन के अंदर पास होगा, उसका एड्रेस हम पास कर सकते हैं। और फिर इसको यूज करने के लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम हम देखेंगे। ये देखिए, हम लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास आइटम। अब इसमें हमारे पास दो मेंबर है, आइटम कोड एंड फ्लोट कॉस्ट। फिर हम लेंगे पब्लिक आइटम, यहाँ पे हम आइटम कोड एंड कॉस्ट इसको हम इनिशियलाइज करेंगे। फिर आता है हमारा डिस्प्ले मेथड, इसमें हम डिस्प्ले करेंगे आइटम कॉस्ट एंड आइटम कोड, इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। अब हम हमें क्या करना है, वॉइड डिस्प्ले आइटम डिटेल्स। इसमें हम जो भी हमारा वैल्यू पास हुआ है उसका हम डिस्प्ले फंक्शन यूज करके, ये आइटम डिस्प्ले फंक्शन यूज करके हम इस आइटम कोड और आइटम कॉस्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो हमने यहाँ पे कॉल किया है आइटम डॉट डिस्प्ले आइटम, इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है। अब मेन प्रोग्राम में हमने लिया क्लास नेम आइटम और फंक्शन के साथ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया item1, और इसके अंदर हमने इनिशियलाइज कर दिया है 1001। ये हमारा आइटम कोड हो गया और प्राइस हो गया 29.99। अब हम डिस्प्ले करेंगे सी आउट आइटम डिटेल्स और हम फंक्शन को कॉल करेंगे डिस्प्ले आइटम डिटेल्स, और इसके अंदर हम ये जो item1 ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पर पास करेंगे। जैसे ही हम इसे पास करेंगे तो यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करेंगे एंड देन आइटम डॉट डिस्प्ले आइटम ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और डिस्प्ले आइटम में आइटम का कोड और आइटम का जो कॉस्ट है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करके देख लीजिए। जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो हमने वैल्यूज पास किया था यहाँ पे आइटम कोड एंड कॉस्ट, ये हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। सो आई होप दिस प्रैक्टिकल वाज इंटरेस्टिंग। थैंक यू।